योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के बीच तलाक हो गया है। 22 साल पहले जिस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई वो अब खत्म हो चुकी है। लखनऊ की फैमिली कोर्ट ने दोनों के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि तलाक की अर्जी स्वाति सिंह की ओर से दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई में मंत्री दयाशंकर सिंह नहीं पहुंचे थे। इसके बाद कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच मनमुटाव की खबरें पहले भी सामने आ रही थी। तलाक होने के बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। एक निजी चैनल से बात करते हुए दयाशंकर सिंह ने स्वाति की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को इस तलाक की वजह बताया है। उन्होंने कहा है, तलाक एक तरफा है, मैंने कभी तलाक की अर्जी नहीं दी, न मैं कभी इस मामले में कोर्ट गया, लेकिन अब ये हो गया है तो मैं इस मामले में अब अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा। स्वाति की बढ़ी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस तलाक की वजह है। आपको बता दें कि स्वाति और दयाशंकर की इस कहानी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी, जब दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति में सक्रिय थे और स्वाति सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई कर रही थी। दोनों उस समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और परिवार की सहमति से दोनों ने शादी भी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों की दो संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन दोनों के बीच लंबे समय तक सब कुछ सही नहीं रहा। साल 2008 में स्वाति सिंह ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। साल 2012 में स्वाति सिंह ने दयाशंकर से तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी। ये मामला विचाराधीन था कि तब तक 2017 के विधानसभा चुनाव आ गए और इसी दौरान दयाशंकर ने मायावती पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से BJP ने दयाशंकर से किनारा कर लिया और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी मामले को लेकर BSP नेताओं ने भी दयाशंकर पर पलटवार किया और बाद में स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणियां कर ली, जिसके बाद स्वाति सिंह अपने पति के बचाव में सामने आ गईं और अपने बेबाक बयानों की वजह से स्वाति जल्द ही BJP की तेज तर्रार नेता बन गईं। साल 2017 में स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक निर्वाचित हुई और योगी सरकार में मंत्री बनाई गईं। इसके बाद स्वाति और दयाशंकर के बीच सब कुछ ठीक चलने लगा। दोनों के कोर्ट न पहुंचने पर कोर्ट ने तलाक के मामले को भी बंद कर दिया। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं। दरअसल 2022 में स्वाति का टिकट काटकर BJP ने राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया और उनके पति दयाशंकर को भी बलिया से विधायक बनाकर मंत्री बना दिया। इसके बाद से दोनों दंपत्ति की निजी लड़ाई अब सियासी लड़ाई में बदल चुकी थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि अब स्वाति और दयाशंकर की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।